भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। वहीं सऊदी अरब ने इस बयान की कड़ी निंदा की थी। इस बीच 28 जून को पीएम मोदी सऊदी अरब पहुंचे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और अरब के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ये वीडियो वायरल है। है कि यूएई के राष्ट्रपति ने 170 तोले की चेन पहनाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। इसी दावे के साथ ये वीडियो फेसबुक पर वायरल है, लेकिन ऑल्ट न्यूज़ की छानबीन में सामने आया कि ये वीडियो हाल का नहीं है। यूट्यूब पर कीवर्ड सर्च करने पर हमें अगस्त 2019 के कुछ वीडियोस मिले, जिसमें वायरल वीडियो क्लिप दिखती है। यानी यहां साफ हो जाता है कि ये वीडियो पीएम मोदी की हाल की यात्रा का नहीं है। वीडियो के साथ बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 अगस्त 2019 को पीएम मोदी को यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया था। ये राजाओं, राष्ट्रपतियों और नेताओं को दिया जाने वाला यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पीएम मोदी ने भी इस मौके की तस्वीरें शेयर की थी। तो जैसा कि हमने देखा, प्रधानमंत्री मोदी को यूएई के राष्ट्रपति द्वारा 2019 में दिए गए सम्मान का वीडियो हाल का बताकर शेयर किया गया।